हेलो दोस्तों, अभी हम लोग हैं नायगांव स्टेशन के वेस्ट एग्जिट पे। तो आज हम लोग आपको दिखाने वाले हैं नायगांव स्टेशन के वेस्ट एग्जिट से जो नया फ्लाईओवर बना है टू कनेक्ट द नायगांव वेस्ट एंड ईस्ट। वहाँ से लेके हम वापस जाएंगे नायगांव ईस्ट का जो रिक्शा पिकअप स्टैंड है या जहाँ से लोगों को व्हीकल्स मिल जाता है ईस्ट साइड में, वहाँ पे जाएंगे। और फिर वहाँ से मैं आपको पूरा रास्ता दिखाऊंगा टिवरी विलेज फाटक यानी कि सनटेक मेक्स्ट वर्ल्ड एंड सनटेक वेस्ट वर्ल्ड के गेट तक का रास्ता। तो देखते हैं पूरा कंडीशन क्या सिचुएशन है वो रास्ता का। अभी हम लोग ये जो ब्रिज का नायगांव वेस्ट स्टेशन का जो एग्जिट है वहां से उसको क्लाइम कर रहे हैं। अभी तक पता नहीं गवर्नमेंट ने क्यों वहां पे बैरिकेड्स लगा के रखे, इसीलिए लोग ज्यादातर यहाँ पे आजू बाजू में व्हीकल पार्क करते हैं, बीच में रास्ता छोड़ देते हैं। ये है जो नीचे वाला रास्ता है वो नायगांव वेस्ट में जाता है टुवार्ड्स वसई वाला जो एरिया है वहां पे। और आप ये देख पा रहे हो एक नया फुट ओवर ब्रिज भी बन रहा है ताकि लोगों को वसई के छोर पे, वसई वाला जो छोर है वहां पे स्टेशन का, अगर आप उतरते हो तो आपको पूरा सेंटर तक जाना पड़ता था और फिर आप स्टेशन के बाहर आ सकते थे। एज यू कैन सी बहुत सारा काम यहाँ पे हो, मतलब चालू हो चुका है। आई थिंक मेन जो सपोर्ट है वो तो बन भी चुका है। और दिस इज द बेस साइड है जहाँ पे ज्यादातर नमक पकता है। और यहाँ पे कोई नियर बाय में कोई रेजिडेंशियल टावर नहीं है, इसके सराउंडिंग एरियाज है राइट और लेफ्ट वाला जहाँ पे पूरा रेजिडेंशियल है। और अभी हम लोग जो नायगांव वेस्ट और ईस्ट का जो मेन ब्रिज है जो कि जहाँ पे एटलीस्ट वी कैन से 2 लेन, जो पूरा 2 लेन है उसको कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये वेस्ट से नायगांव वेस्ट से आता है एंड दिस साइड नायगांव ईस्ट में हम लोग जाते हैं अभी। सो ये स्टेशन है, आप लोग जैसे देखिए देख पा रहे हो। सो अभी ये जो ट्रेन जा रही है विच इज गोइंग टुवर्ड्स वसई एंड अभी हम लोग मूव कर रहे हैं ब्रिज के ऊपर से नायगांव ईस्ट की तरफ। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सीनरी भी दिखाता हूँ कि यहाँ से इतना अच्छा नज़ारा लगता है। बहुत सारे लोग रात को आके यहाँ पे बैठते हैं, चीज़ें देख, मतलब बारिश नहीं रहती तो बहुत सारे लोग यहाँ पे आके रात को टाइम निकालने के लिए बैठते हैं। और यहाँ पे बहुत अच्छा सीन भी दिखता है क्योंकि दूर दूर जो ये जो बिल्डिंग्स है नायगांव ईस्ट की आप देख रहे हो, यहाँ पे वेस्ट वर्ल्ड और मैक्स वर्ल्ड दिख रहा है एंड दिस इज द ईस्ट साइड। तो ये है जो नायगांव ईस्ट स्टेशन का एग्जिट है। यहाँ से आपको दिखेगा नहीं रास्ता बिकॉज ऑफ ग्रीनरी, बट यहाँ से पूरा रास्ता यहाँ से होके और ये जो ब्रिज है जो नया बना है रिसेंटली या ईयर और 2 ईयर बैक, वो ब्रिज पे होके आप रोड पे टच होते हो नायगांव ईस्ट के साइड। चलो तो फिर चलते हैं नायगांव ईस्ट का जो एग्जिट पॉइंट है, मतलब जहाँ से आप चल के पैदल चल के जहाँ पे आते हो और जहाँ पे आपको ये है जो नायगांव ईस्ट का बीच का जो एरिया है जहाँ पे नमक पकता है। और आप पीछे की साइड देख रहे हो दिस इज द सनटेक मैक्स वर्ल्ड और उसके राइट हैंड साइड पे शायद बिल्डिंग की कलर की वजह से नहीं दिखेगा बट वो सनटेक वेस्ट वर्ल्ड है। तो लेट्स गो। पुल ब्रिज अभी जो है, जो ब्रिज है एकदम नया बना हुआ है तो ब्रिज का कंडीशन अभी के लिए तो बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे आपको नायगांव वेस्ट से ईस्ट में आने के लिए ब्रिज, अभी जो ब्रिज बन गया है उसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं होती है। चाहे कितनी भी बारिश होगी आप इजीली ईस्ट वेस्ट क्रॉस कर सकते हो, पानी का कोई दिक्कत नहीं होने वाला है ब्रिज पे बिकॉज एकदम नया ब्रिज है। तो और आप देख पा रहे हो सामने जो माउंटेन्स दिख रहे हैं और यहाँ पे मतलब बहुत अच्छा व्यू दिखता है। अगर आप कभी रात पे आके बैठोगे तो स्ट्रीट लाइट्स चलती होती है। और ये है जो आपको राइट हैंड साइड में दिख रहा है, ये है नायगांव ईस्ट का जो पैदल चल के आप एग्जिट लेते हो तो जहाँ से आपको ऑटो रिक्शा मिल जाता है जनरली, तो वो जो पॉइंट है वो है जहाँ से जनरली आपको यहाँ पे लोग, बहुत सारे लोग पार्किंग करके जाते हैं। एक्चुअली पीपल यूज टू यहाँ पे ब्रिज के कॉर्नर पे भी पार्क करते थे बट मैंने देखा है कि लास्ट 1-2 महीने से बहुत बार जो ट्रैफिक पुलिस है वो व्हीकल्स उठा रही है, तो इसी की वजह से अभी लोगों ने यहाँ पे पार्किंग करना बंद कर दिया है। और मैं आपको अभी राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे दिखाऊंगा कि हाँ अभी आप देख सकते हो सामने। सो दिस आर द पार्किंग एरियाज जहाँ पे लोग अपना व्हीकल पार्क करते हैं। और इन लोग ने भी अभी बॉर्डर लगा दिया है बिकॉज आई थिंक ट्रैफिक पुलिस ने बहुत सारी बार मैंने देखा है कि व्हीकल उठा लिए थे, अभी 3-4 बार देखा।
अपना वसई विरार बस सेवा है और दिस इज द बस स्टैंड ऑफ द नायगांव ईस्ट। हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं जहाँ से जनरली हम लोग को, और ये जो राइट हैंड साइड में ब्रिज आ रहा है वो नीचे आ रहा है, हम लोग यू टर्न मार के वापस आए हैं टू जस्ट शो यू द सराउंडिंग। तो ये जो पिकअप स्टैंड है जहाँ से तिवरी से जो भी अगर आप सनटेक से रिक्शा पकड़ोगे तो वो लोग आपको यहाँ पे छोड़ते हैं, और आपको ऑटो भी यहाँ पे राइट हैंड साइड, ये बस ये जो जो लेफ्ट हैंड साइड में पेड़ दिख रहे हैं उसके नीचे से वहां से सनटेक के लिए आपको रिक्शा मिल जाता है। मैं थोड़ा आगे जाता हूँ ताकि यहाँ से भी आप नाइगांव ईस्ट में जा सकते हो सामने वाले रोड से भी, बट यहाँ पे मैं थोड़ा आगे तक जाऊंगा टू शो यू कि यहाँ पे पानी का क्या सिचुएशन होता है। तो अगर आपको सनटेक आना है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि जो पीछे रोड है जिस पे हम अभी जाने वाले हैं वहीं से आए, ये पूरा मत आइए बिकॉज यहाँ पे बीच बीच में कहीं पे पानी का भराव होता है जैसे कि आप देख पा रहे हो अभी। ये राइट हैंड वाला साइड तो हम लोग समझ सकते हैं क्योंकि वो रोड पे नहीं है, बट यहाँ पे अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे भी देखोगे अभी, हाँ देखो कितने मतलब ऑलमोस्ट शायद 1 फीट या 1.5 फीट पानी रहेगा, और जो ये जो सामने जो रिक्शा जा रही है वहीं से आपको सनटेक के लिए रिक्शा या ग्लोबल के लिए रिक्शा मिल जाएगा। तो अभी हम लोग वापस चलते हैं टुवार्ड्स नाइगांव ईस्ट टू सनटेक का रास्ता देखते हैं या टिवरी फाटक तक का रास्ता देखते हैं। तो ये जो है दिस इज द मेन पॉइंट जहाँ पे आपको ड्रॉप एंड पिकअप मिल जाएगा, स्पेशली यहाँ पे ही सारी रिक्शा आपको छोड़ती है। तो ये जो है ये जो रास्ता है ये 2 लेन प्रॉपर 2 लेन रास्ता है, और जो यहाँ से लेके ये जो सनटेक ईस्ट स्टेशन एग्जिट से लेके ये रास्ता जाता है सनटेक फाटा तक, और वहाँ पे एक पॉलिश चौकी है जो हाईवे को टच करती है वहीं पे। और ये जो पूरा रास्ता है विच इज प्रॉपर 2 लेन रास्ता है, और मैंने देखा है रास्ते की कंडीशन बहुत अच्छा है, अपार्ट फ्रॉम जूचंद्रक फाटक के पास वहाँ पे फ्लाईओवर बन रहा है तो उसकी वजह से वहाँ पे थोड़ी दिक्कत होती है क्योंकि फ्लाईओवर का भी काम चालू है, उन्होंने सर्विस रोड बनाया है, आप देख सकते हो देखो राइट साइड में कितना पानी भर गया है, और कंटिन्यूअसली लास्ट 2 वीक से बारिश भी हो रहा है तो उसकी वजह से नायगांव के रोड की हालत बहुत ही खराब है। अभी ये पैच को आप छोड़ देंगे तो अभी आप देख सकते हो ये पैच बहुत ही अच्छा है, 2 लेन प्रॉपर 2 लेन रोड है, लोग यहाँ पे दिन रात चलते रहते हैं क्योंकि जो भी लोग स्टेशन से चल के घर पे जाते हैं, ये जो है अगेन सॉल्ट एरिया, यहाँ पे नमक पकता है, अभी बारिश की वजह से बहुत पानी भरा हुआ है, और आप देख सकते हो कि ये जो प्रॉपर 2 लेन है आप आराम से 40-60 के स्पीड पे आराम से चला सकते हो। यहाँ पे ये रोड पे बिल्कुल खड्डा नहीं है, बट अभी आगे हमारा एडवेंचर रोड आएगा, आई विल शो यू दैट ऑल्सो, वो बहुत ही एडवेंचर रोड है ये, हम बोल सकते हैं द पीस ऑफ केक क्योंकि स्मूथ है, रास्ता अच्छा है, बड़ा है, उतना ट्रैफिक भी नहीं रहता। तो अभी दिख रहा है आपको सामने जो रेसिडेंशियल्स दिख रहा है विच इज नायगांव ईस्ट का रेसिडेंशियल चालू हो गया है, एंड ये मेजर एंट्री पॉइंट अभी आएगा आगे जहाँ से हम लोग सनटेक वेस्ट वर्ल्ड ईस्ट मैक्स वर्ल्ड या तो टिवरी के तरफ मुड़ सकते हैं। ये पूरा वाटर लॉगिंग एरिया है, बारिश में तो आपको यहाँ पे बहुत पानी दिखेगा, बारिश के बाद आपको यहाँ पे ग्रीनरी दिखेगी, पानी नहीं दिखेगा, बट वहां से हम चल के नहीं जा सकते। तो देख रहे हैं हम लोग रास्ता इज वेरी नेट एंड क्लीन अंटिल अपना एडवेंचर रोड जो भी चालू होगा, अभी देख रहे हो बहुत ही स्मूथ रास्ता है, आराम से पैदल भी जा सकते हो आप यहाँ से। सो अभी यहाँ से अपना एडवेंचर रोड चालू होगा, हम लोग ये जो सीधा रास्ता है अभी फट जाएगा जो हाईवे जाएगा, बट हम लोग लेफ्ट लेंगे और नाउ द एडवेंचर बिगेन्स। बहुत आप देखते आप समझ जाओगे, आगे रास्ते का हालत देखते ही आप लोग समझ जाओगे कि इसको मैं एडवेंचर क्यों बोल रहा हूँ। अभी ये तो शुरुआत है, अब देखो जैसे ही हम लोग ने शुरू किया ना, अभी यहाँ पे राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड पे आपको दिखने को मिलेगा कि बहुत सारे कंस्ट्रक्शन चालू है, बट फिर भी और वही जो ट्रक्स आते रहते हैं, पानी के टैंकर्स आते रहते हैं बारिश की वजह से, आप पूरा रास्ता देखो आपको या तो वो पानी भरा मिलेगा या खड्डे मिलेंगे, और कहीं कहीं पे तो गटर का पानी भी रोड पे आता मिलेगा, पूरा बास मारता है। तो आप देख रहे हो अभी द रास्ते का हालत बिल्कुल अच्छा नहीं है, पैदल जाने वालों के लिए तो बहुत ही मुसीबत है, मतलब आप पैदल बिना आपका पानी में 1 फीट 1.5 फीट कहीं पे पैर ना जाए तो आप ये रास्ते पे चल ही नहीं सकते बिकॉज आप देख रहे हो दोनों साइड वाटर लॉकिंग है, ऐसा नहीं है कि एक भी साइड क्लियर होगा कि जहाँ से चल के जाने वाले लोग चल सकते हैं, और ऊपर से ये खड्डे आप देखो, और अगर कोई बड़ा व्हीकल आ गया जैसे कि बस है या ऐसा ट्रक आ गया
तो आपको बहुत संभालना पड़ेगा, और स्पेशली ये ध्यान रखना है कि कोई खड्डे की वजह से आप ट्रक या बस के साइड मत गिर जाओ। तो इसीलिए इसको एडवेंचर रोड बोला जाता है, खड्डों की कमी नहीं है, गिन नहीं सकते, कहीं कहीं पे तो इतने बड़े खड्डे हैं कि आपको अगर पानी की वजह से नहीं दिखा तो आपको कमर में झटका भी लग सकता है, नेक पे भी झटका लग सकता है, या आप गिर भी सकते हो। तो नीड टू बी वेरी केयरफुल। और ये जो भी यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे रास्ता पड़ेगा, जो अगेन डॉन बॉस्को स्कूल की साइड जाते हैं, हम लोग अभी वहाँ पे नहीं जाते क्योंकि यहाँ से हम लोग अपना जर्नी कंटिन्यू करेंगे टुवर्ड्स द ट्यूरी फाटक, क्योंकि वो रास्ता फिर भी वैसे अच्छा है, देखा जाए तो वहाँ पे कहीं पे वाटर लॉगिंग नहीं है, खड्डे नहीं है, तो वो रास्ता फिर भी अच्छा है। बट ये रास्ता मतलब देखो क्या हालत है, एक भी मतलब ऐसा 1-10 मीटर का एरिया नहीं है जहाँ पे आप स्ट्रेट फॉरवर्ड चला पाओ। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, आपको देखना है कि पीछे आगे राइट साइड में, और लेफ्ट साइड पे तो आप जा ही नहीं पाओगे क्योंकि पूरा लेफ्ट साइड आप देखोगे ना पूरे रास्ते में यहाँ पे पूरा लेफ्ट साइड वाटर लॉगिंग है। तो और पता नहीं ना पानी, और जो बारिश का मिट्टी वाला पानी रहता है जिसकी वजह से आपको बिल्कुल आइडिया नहीं आएगा कि वहाँ पे खड्डे हैं नहीं हैं और क्या क्या परिस्थिति है। पता नहीं लोग रिक्शा में भी कैसे जाते हैं, बिकॉज मैंने बहुत बार देखे हैं रिक्शा वाले कोई परवाह ही नहीं रखते, बस चला देते, भी उनका रोज का काम है ना, वो कितना धीरे धीरे चलाएंगे। और यू हैव टू बी केयरफुल अगर आपके आसपास से कोई बड़ा व्हीकल जाता है। अभी ये देखिए यहाँ पे तो पूरा गटर का पानी, अभी ये तो ठीक है, अभी बारिश कम है इसके लिए रोड पे पानी कम है, बाकी अभी आपको दिखेगा ये जो पानी आता है ये पूरा गटर का पानी है। आप यहाँ से जैसे ही चलोगे आपको पूरा बास मारेगा, और आई डोंट नो लोग कैसे चलते हैं यहाँ पे, मैं तो मतलब कैसे मतलब चल, अगर हम लोग 2 व्हीलर 4 व्हीलर लेके जाते हैं फिर भी ये जो पूरा पानी है ना बास मारता है। तो शायद ये मजबूरी है लोगों की कि यहाँ पे और कोई रास्ता नहीं है और चलना पड़ता है पानी से। अभी अगर आपने एक देखा हो रहेगा पीछे तो एक एक्टिव वाले भाई थे जो बड़े से खड्डे में गिरे, बट एक बाइक वाले भाई थे जो आगे आ गए, तो हमको पूरा दिखा नहीं बट मैंने देखा। आई डोंट नो आपको कैमरा में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बट बहुत ही, अभी ये रास्ता थोड़ा अच्छा है फिर भी। ये जो राइट हैंड साइड पे रास्ता है वो 7 स्क्वायर स्कूल की तरफ जाता है, बड़ा लंबा चौड़ा और नया रोड है तो अच्छा है, अभी तक तो कंडीशन अच्छा है, बट फिर भी वहाँ पे भी वाटर लॉगिंग होता है एक साइड रोड पे अगर बारिश होता है तो। और अभी हम लोग को जो सामने दिख रहा है वो नक्षत्र का बिल्डिंग है, और उसके पीछे सनटेक वेस्ट वर्ल्ड दिख रहा है, और अभी लेफ्ट हैंड साइड पे हमको सनटेक मैक्स वर्ल्ड भी दिखेगा। मैं ट्राई करता हूँ आपको दिखाने का। यहाँ से हम लोग यहाँ पे नहीं रुकेंगे क्योंकि ये रास्ता यहाँ तक तो जो आपने देखा वैसा ही है, और इसके आगे यहाँ पे अभी सनटेक ने 4 लेन रोड बनाया हुआ है, तो दिस इज अ वेरी नीट एंड क्लीन। ये है सनटेक वेस्ट वर्ल्ड, रिलायंस आपको दिख रहा है, यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है, स्पेशली आज सैटरडे है तो भीड़ रहेगी, कल संडे भी भीड़ रहेगी। और ये है टिवरी विलेज बोलो या सनटेक वेस्ट वर्ल्ड मैक्स वर्ल्ड का रिक्शा स्टैंड, आपको यहीं से रिक्शा मिल जाएगा सुबह शाम। और अभी हम लोग जाते हैं सामने फाटक है टिवरी विलेज फाटक जो बोलते हैं, और हम लोग जाते हैं सनटेक वेस्ट वर्ल्ड के मेन गेट की तरफ, ताकि सनटेक मैक्स वर्ल्ड और वेस्ट वर्ल्ड दोनों के ही कस्टमर को समझ में आए कि यहाँ पे रास्ते की क्या हालत है। सो भी ये रास्ता भी मतलब 2 लेन है बट ज़्यादातर लोग एक ही लेन पे चलते हैं, और आप देखो ये रास्ते की हालत भी कुछ अच्छी नहीं है, पूरे खड्डे से भरा हुआ है, और यहाँ पे तो पॉट होल से बोलूंगा मैं इसे, क्योंकि बारिश के पानी से ऐसे भर जाते कभी कभी आपको समझ में नहीं आता खड्डा कितना बड़ा है छोटा है, और बहुत बार लोगों को मैंने गिरते भी देखा है इसमें। तो हम लोग पहुंच गए हैं सनटेक वेस्ट वर्ल्ड में। तो दोस्तों मैंने ट्राई किया है कि आपको पूरा रास्ता अच्छे से कवर करके दिखाऊं, आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग हमें लाइक दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे ही अपडेट हम दे पाए, और कमेंट कीजिए अगर आपको कुछ और चीज़ें भी आपको देखनी है इन द नैगांव। थैंक यू सो मच।